नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 में गणित पढ़ेंगे। कक्षा 5 की गणित में हमारा चैप्टर था 4 चैप्टर, जिसका नाम था हिस्से और पूरा, यानी कितने हिस्से करने हैं और वो पूरा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर जो 8, ये प्रश्न नंबर 8 है, उसका हमने यहाँ तक हल कर लिया था। आगे के प्रश्न है 9, और पेज नंबर हमारा क्या है बच्चों? पेज नंबर हमारा 51 था, 51 है, और पेज नंबर 51 और प्रश्न नंबर हमारा 9 है, और मैंने प्रश्न नंबर 8 तक आपको करा दिया था। तो आशा करती हूँ कि आपने सादे पोथी में प्रश्न नंबर 8 तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, समान हिस्सा दर्शाने के लिए छुट्टी हुई संख्या लिखिए। अब यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना दिया गया है इस तरह से, प्रश्न नंबर 9 का अ है, ये पूरा आपको एक बॉक्स बनाया गया है। तो बच्चों हम देखेंगे कि पूरे बॉक्स में अलग अलग यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं, तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें कोई भी भाग नहीं किया गया है, मतलब और इसके हिस्से नहीं किए गए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक। उसके नीचे वाले बॉक्स में आप देखोगे कि दो, बीच में एक लाइन कट दी गई, एक और दो बॉक्स बना दिया, यही एक बॉक्स में हमने दो बॉक्स बना दिया है, तो यहाँ पे दो बॉक्स हो गए, इसीलिए लिखा है एक का आधा और यहाँ पे एक का आधा। इसका मतलब होता है बच्चों की आधा, एक का आधा, एक चीज हो उसकी हमने आधी कर दी, तो हम इस तरह से लिखते, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1/2, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, 1/2। आगे लिखा है कि देखो हमने पहले एक बॉक्स था, एक का फिर दो किया, और फिर दो में से यहाँ पे आपको 4 खाने दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1/4, 1/4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1/4। ब नंबर है, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाए गए हैं, इसमें हम खाने बॉक्स को गिनेंगे तो टोटल 5 खाने होंगे, 1, 2, 3, 4 और एक ये वाला 5, तो सब में हम लिख देंगे 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 5 खाने पड़े गए, एक ही खाने में से हमने 5 भाग किए हुए। इसी तरह यहाँ पे दोनों को मिला के 10 खाने होंगे, इसको हमको नहीं गिनना, तो 1, 2, 3, 4, 5 हुए ना बच्चों, तो टोटल खाने कितने हो गए, ये 5 और ये 5, तो टोटल खाने हो गए 10, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 का आधा 10 का आधा 5 होता है, यहाँ पे का गुणा कर दिया, इसीलिए 10 हो गए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10, 1/10, 1/10, तो इसमें क्या आएगा, 1/5, 1/10, नीचे वाले में 1/5 सब में लिखना है और ऊपर वाले में 1/10 सब में लिखना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का अ और ब हमारा कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर है 52, यानी प्रश्न नंबर 9 का अ। अ में आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दिए हैं, और जिस तरह से हमने एक 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा था तो 10 आया था, उसी तरह 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 6 आया ना, उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3, इसी तरह नीचे लिखेंगे हम 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, हमें सभी बॉक्स में 1/6 और इसी सभी बॉक्स में 1/3 इसी तरह से लिख देना है। ड नंबर है, यहाँ पे आपको क्या, एक ही बॉक्स दिया गया, इसमें से भाग नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे जैसे प्रश्न नंबर 9 के अ में था, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1/2, 1/2, यहाँ हमको 1 लिखना है और यहाँ पे बच्चों हमको 1/2 और 1/2, 2 क्यों लिखना है, क्योंकि इसके 2 भाग हो गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 खाने हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4, यानी ये 1/4 है वो हमें सब में लिखना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खाने है ना बच्चों, तो सब बॉक्स में हम लिखेंगे 1/8, 1/8, 1/8, यानी ये वाला जो 1/8 है वो सब बॉक्स में 1/8 आएगा। तो आया ना बच्चों आपको समझ में, प्रश्न नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे है प्रश्न नंबर 10, सूचना अनुसार पूर्ण कीजिए। आपको बच्चों यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया है, यहाँ पे लिखा है एक फूल की 1/5 पत्तियाँ दर्शाई गई है, शेष पत्तियाँ बनाकर चित्र पूर्ण कीजिए। आपके पास जब ये
आप पेज नंबर निकालोगे तो ये एक ही पत्ती बनाई हुई है, बाकी की इसमें एक फूल में आपको पांच पत्ती दिखानी है। एक फूल में आपको कितनी पत्ती दिखानी है? पांच। तो एक हमारा बना हुआ है, बाकी के जो चार आपको बनाने। तो मैंने देखो बनाए एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच हो गए ना। तो इस तरह से आपको भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पत्तियां बनानी है। तो एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच पत्तियां होनी चाहिए, एक फूल में पांच पत्तियां। आगे है प्रश्न नंबर दूसरा, एक पंखे का 1/3 बेल्डर दर्शाया गया है, सेट बेंडल बनाकर आपको पूर्ण करना है। आपके पास जब बुक होगी तो बच्चों यहाँ पे पंखे में कितनी पत्तियां होती है? तीन होती है ना। तो यहाँ पे एक ही बनाया हुआ है, बाकी के तो तीन आपको बना, दो आपको बनानी है। तो यहाँ पे टोटल कितने? ये वाली नहीं है, ये रॉन्ग है, मतलब ये गलत है। ये बनाना है आपको एक दो और तीन, टोटल तीन हो गई। एक पंखे में कितनी पंखुड़ियां होती है? तीन। तो एक दो तीन, एक बना होगा आपके चित्र में और बाकी के दो आपको खुद बनाने। तो एक दो तीन हो गया ना इस तरह से बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर तीसरा, एक पंखे का 1/2 बेल्डर दर्शाया गया है, शेष बेल्डर बनाकर चित्र पूर्ण कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे पंखे का ये ऊपर भाग दिया है, दो पंखुड़ी आपको बनी हुई है। तो एक पंखुड़ी में कितने, एक पंखे में कितनी पंखुड़ियां होती है? तीन होती है। तो बाकी का एक आपको यहाँ पे बनाने का है, तो दो बनाई हुई है, एक आपको बनाना है, तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो एक दो तीन, इस तरह से तीन पंखुड़ियां हो गई। दो बनाया हुआ था इसीलिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ, एक हमको खुद बनानी है। आगे है प्रश्न नंबर चार, एक कार के 3/4 पहिए दर्शाए गए हैं, शेष पहिए बनाकर चित्र पूर्ण कीजिए। अब एक कार होती है और एक कार में कितने टायर बनाए हुए थे? तीन टायर आपको बनाए हुए थे, एक हमको बनाने। यहाँ पे तीन टायर बनाए हुए थे इसीलिए 3/3 लिखा था, और एक कार में कितने टायर होते हैं? चार, इसीलिए यहाँ पे चार लिखा है, 3/4। लेकिन हमने यहाँ पे एक टायर हमने खुद बनाया, तो अब क्या हो जाएगा? 4/4। इस तरह से आपको ये टायर का चित्र खुद बनाने का है बच्चों। आगे लिखा है प्रश्न नंबर पांच, एक डाल पर लटके 3/5 सेव दर्शाए गए हैं, शेष सेव बनाकर चित्र पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे एक डाल बना दी गई है और क्या बोला है? तीन चित्र आपको यहाँ पे बनाए हुए थे, लेकिन टोटल कितने चित्र थे? पांच चित्र है ना। तो सेव के कितने चित्र है? पांच चित्र है। तो तीन बनाए हुए थे, बाकी का एक और दो आपको खुद यहाँ पे अच्छे से बनाना है। ये मैंने अच्छे से, मेरे को ड्राइंग नहीं आती बच्चों, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है, आपको बहुत अच्छे से बनाने का है ना। तो इसीलिए ये डाल पर बाकी के दो चित्र यहाँ पे सेव के बनाए हुए हैं, तीन बने हुए थे और दो अपने को खुद बनाना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो बाकी के दो आप बनाओगे तो टोटल चित्र कितने हो जाएंगे? पांच हो जाएंगे। तो एक दो तीन चार पांच। तो इस तरह से सेव के चित्र आपको खुद बनाने के हैं। अब हमारा पेज नंबर 54 पे है प्रश्न नंबर 11, सूचना के अनुसार कीजिए। ये सवाल आपको समझने जैसा है बच्चों, कि प्रश्न नंबर 11 का पहला है, रामू कुछ सब्जी अपने मित्र को देना चाहता था, उसने 1/5 भाग के टमाटर और 1/3 भाग के आलू टीनू को दिए और मीनू को 1/5 भाग टमाटर और 3/6 भाग आलू दिए। तो शेष सब्जी दीनू को दिए, टीनू को जो आलू दिए हैं उसमें लाल रंग में वृत्त करना है, मीनू को जो आलू के भाग दिए उसमें हरे रंग का वृत्त करना है, और दीनू को जो मिले हुए सब्जी उसमें आपको पीले रंग का वृत्त करना है। यानी यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, ये आलू है बच्चों आपका और ये टमाटर है, इसमें आपको तीन भाग में बांटे गए हैं। एक रामू है, उसने अपने दोस्तों को कुछ सब्जियां दी हैं, तो कितनी सब्जियां कितनी किसको दी वो हमको इसमें से निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या बोला है कि इसने 1/5 टमाटर और 1/3 आलू किसको दिए थे? तीनों को दिए है ना, तीनों को दिए।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आलू कितने हैं वो काउंट करेंगे, मतलब गिनेंगे, और टमाटर कितने हैं वो हम गिनेंगे। तो चलो मैं गिन रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो टोटल हमारे पास आलू कितने हैं बच्चों, टोटल हमारे पास आलू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आलू हमारे पास टोटल कितने हैं चित्र में, 18। उसी तरह टमाटर कितने हैं बच्चों, तो टमाटर को भी हम गिरेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हमारे पास टोटल टमाटर है। तो 18 आलू और 20 टमाटर, ये हमको पता चल गया। अब इसमें से हमको अलग अलग सबके भाग में कितना है वो हमको गिनने का है। तो ये सवाल हम कैसे हल करेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहले हमारे पास जो मीनू को टमाटर दिए, तो मीनू को टमाटर कितने, टोटल हमारे पास टमाटर कितने थे, 20 टमाटर थे। और उसने मीनू को कितने भाग में दिए, जो हमारे ये सवाल में लिखा हुआ है 1/5, तो हमने 20 गुणे 1/5 कर दिया। अब हमको इससे इसको काटने का है, तो काटने के बाद 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है बच्चों, 4 बार में आता है, 4 × 5, 20। तो इससे हमने इसको काट दिया, 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। अब आई आलू की बारी, तो आलू टोटल कितने थे हमारे पास, 18, और उसने कितने दिए थे, 1/3 दिए थे। तो 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में, 3 × 8, 3 × 6, 18 हुआ ना। तो हमारा आलू कितना आ गया आंसर, 6, मतलब आपको 3 के पहाड़े से 18 काट देंगे तो हमारा 6 आंसर आ गया। अब मीनू की बारी आई, तो मीनू टोटल टमाटर हमारे पास कितने थे, 20, और 2/5 उसमें लिखा हुआ है, तो 20 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े से 20 को हमने काटा, तो कितना आंसर आया, 4। अब 2 और 4 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो हमारा जवाब आ गया 8। उसी तरह अब मीनू को आलू, तो 3 के पहाड़े में आलू टोटल कितने थे, 18, 6 × 3, 18, तो फिर हमने 6 के पहाड़े से 18 को 3 बार में काटा, और यहाँ पे 3 का गुणा किया, तो 9 हो गए बच्चों। यानी आपको टीनू को कितने मिले टमाटर, 4, आलू कितने मिले, 6, मीनू को मिले टमाटर 8, और आलू कितने मिले, 9, दीनू को मिले टमाटर 8, और आलू मिले 3। अब आपको यहाँ पे ये सवाल हल कर लेना है, जो दीनू का है ना बच्चों, वो मैंने हल नहीं किया, वो इसलिए हल नहीं किया कि जब हमें टीनू और मीनू का तो हमको मालूम पड़ गया, और जो शेष टमाटर आलू बच गए वो दीनू के हिस्से में आ गए, इसीलिए उसे हमने हल नहीं किया। अब जो मीनू को जो टमाटर मिले ना बच्चों, वो ये टमाटर 4 मिले, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो टीनू को टमाटर टीनू को जो टमाटर मिले हैं उसमें हमें लाल रंग भरना है, तो 1, 2, 3, 4 में आप क्या करोगे, लाल रंग भर दोगे, बराबर। और जो आलू मिले हैं उसमें भी आपको मीनू को टीनू को जितने आलू मिले हैं, 6 आलू टीनू को मिले, तो उसमें भी आप लाल रंग भर दोगे। उसी तरह से मीनू को 8 टमाटर मिले हैं, तो 8 टमाटर में आपको इसमें हरा रंग करने को बोला है, या जो रंग करने को बोला होगा मीनू को मिले हुए भाग के वित्त में, टीनू को लाल रंग करने हैं और मीनू को मिले हुए भाग के हरे रंग करने हैं। तो इसमें 8 टमाटर में हरे रंग और 9 आलू में हरे रंग कर देने, और दीनू में टमाटर में आपको पीला रंग बोला है, तो 8 इसमें कर देने हैं और आलू में 3 कर देने हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आज घर पे आज आपको स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 51 है हमारा, ये पेज नंबर 51 से प्रश्न नंबर 90 से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 51, पेज नंबर 52, पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54 का प्रश्न नंबर 11 का पहले तक कंप्लीट कर देना है। आज आपका घर काम है कि पेज नंबर 51 से लेके पेज नंबर 54 तक पूरा कंप्लीट करना है, और आप ये घर काम पूरा कर दीजिएगा। पेज नंबर 54 का प्रश्न नंबर 11 का 1 तक करना, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
सिखाऊंगी। तो आज आपका घर काम है कि पेज नंबर 51 से पेज नंबर 52 और 54 का प्रश्न नंबर 11 का एक का कर देने का है। धन्यवाद।